Assalamu alaikum everyone. Please let me know in the chat box. Am I audible to all of you? चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना. आज हम पढ़ने वाले हैं ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको JCPOA भी कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील पढ़ने से पहले और उसमें चैलेंजेस क्या हैं, करंट स्टेटस क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है. हालांकि जब हमारा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स चल रहा था तो उस टाइम पे हमने एनपीटी को पढ़ लिया था, लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं तो इसलिए ये पॉइंट सारे रिपीट भी हो सकते हैं. व्हाट इज दिस एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? इट इज एक्चुअली यूएन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. व्हाट इज एनपीटी? एनपीटी इज यूएन यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. अब MCQs भी आपके पास आ सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि एनपीटी कब साइन हुई है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं. अब इस तरह के MCQs भी आपके पास आ सकते हैं क्योंकि अब स्क्रीनिंग भी है. इस एनपीटी का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनपीटी? नाम से ही पता चल रहा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. प्रोलिफरेशन का मतलब है रैपिड इंक्रीज. किसी भी चीज में अगर हम रैपिड इंक्रीज करें तो उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन. इंक्रीज करना, रैपिड इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इस प्रोलिफरेशन को रोके. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, स्ट्रेट सा है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना है. इसके प्राइमरीली तीन एलिमेंट्स होंगे. आखिर अगर हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए बताया गया है कि कैसे रोकना है और कौन कौन सी चीजों को रोकना है. सबसे पहला जो एलिमेंट है वो ये है कि हमें नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जाना है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग इज डिसआर्मामेंट करनी है. थर्ड पॉइंट इज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ये प्राइमरीली तीन पॉइंट्स हैं इसके. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि ये अग्रीमेंट साइन कब हुआ. July 1, 1968. FPSC में या फिर कोई भी इदारा हो उसमें MCQs आपके कैसे आते हैं? सवाल आएगा आपके पास एनपीटी वॉज साइंड इन July 1, 1968. July 2, 1968. July 3, 1968. This is the test of knowledge. ये भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा डी none of these. So you have to remember कि exactly ये July 1 है, July 2 है या फिर July 3 है. Sorry to say, लेकिन हमारे पास जो है अभी तक एजुकेशन जो है वो यहां से नहीं निकली. तो बहरहाल आपने ये याद रखना है. FPSC आपसे ये नहीं पूछेगा कि एलिमेंट्स कौन से हैं MCQs में. इतना लेवल हमारा अभी भी, वो स्टैंडर्ड हमने अपना इंक्रीज नहीं किया. अभी भी हम यहीं पे हैं, डेट्स पे, एग्जैक्ट डेट पे, एग्जैक्ट डे पे. हो सकता है आगे टाइम पे इंक्लूड कर दें, 11 बजे या 12 बजे. सो दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन July 1, 1968
Its purpose is to prevent the rapid increase of nuclear weapons. Primarily तीन elements होंगे, non-proliferation की तरफ जाना है, disarmament की तरफ जाना है, and ये भी allowed होगा कि peaceful use of nuclear weapons कर सके हम, peaceful use of nuclear energy कर सके हम. 1968 से पहले, right after 1968, जो states nuclear weapons already possess करते हैं, वो होंगे legitimate countries. उनके पास ये legal, ये legitimate right होगा कि वो nuclear weapons possess कर सकते हैं, because they are so-called responsive. Responsive states. लेकिन 1968 के बाद किसी भी स्टेट ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स पजेस किए या फिर पजेस करने की कोशिश की, तो उनको आइसोलेट किया जाएगा, सैंक्शंस लगाए जाएंगे, यूएन के सैंक्शंस होंगे, यूएस के सैंक्शंस होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वगैरह वगैरह. लेकिन अगर कोई कंट्री 1968 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स पजेस कर लेता है और वो एनपीटी का मेंबर नहीं है, उसने एनपीटी को रेटिफाई नहीं किया, लेटर ऑन अगर वो रेटिफाई करता है तो उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स अबेंडन करने पड़ेंगे, उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करना पड़ेगा. मैं ये पॉइंट फिर से आपको समझाता हूं. 1968 से पहले जो कंट्रीज न्यूक्लियर स्टेट हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, मौजूद होंगे. जो कंट्रीज 1968 में रेटिफाई करते हैं वो अग्री करेंगे इस बात पे कि हम प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे और हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज करेंगे, मतलब के जो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज नहीं करेंगे. फिर जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे. अब वो कंप्लीट आर्मामेंट होगी या फिर लिमिटेड कंप्लीट डिसआर्मामेंट है या फिर लिमिटेड है या फिर कितने पीरियड में डिसआर्मामेंट करनी है, इसके लिए कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद होंगे, इस चीज को एनपीटी के अंदर हाईलाइट नहीं किया गया. देयरफॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आज तक नहीं हुई है. और जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये साइन किया हुआ है, जैसे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, ये कंट्रीज डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं गए. जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं जा रहे, रादर वो आर्मामेंट की तरफ जा रहे हैं. तो ये पॉइंट तो फुलफिल होते हुए हमें नजर नहीं आया. अब आते हैं कि व्हाट इफ अ कंट्री पजेसेस न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. 1968 के बाद अगर कोई कंट्री एनपीटी का मेंबर है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स पजेस नहीं कर सकता. इसको ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज ने रेटिफाई किया हुआ है. जैसे ये 1968 में साइन होता है तो इसकी जो ट्रीटी है ना, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसकी ड्यूरेशन होगी 25 years, मतलब कि ये ट्रीटी 25 years तक एप्लीकेबल है, एक्सटेंड किया गया है 25 years तक. मतलब ये है कि जिन कंट्रीज ने साइन किया है एनपीटी को, वो 25 इयर्स तक न्यूक्लियर वेपन्स पजेस नहीं करेंगे. लेकिन 1995 में इसका जो टाइम पीरियड था, इट वाज रिन्यूड फॉर इंडेफिनिट टाइम, कि अब जो कंट्रीज हैं वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पजेस नहीं करेंगी. इफ यू टॉक अबाउट ईरान, ईरान ने 1968 में साइन किया. आज भी ईरान एनपीटी का मेंबर है. इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था 1985 में, लेकिन नॉर्थ कोरिया लेफ्ट इट इन 2003 एंड टुडे नॉर्थ कोरिया इज अ न्यूक्लियर कंट्री, इज अ न्यूक्लियर स्टेट. अराउंड 190 कंट्रीज ने रेटिफाई किया हुआ है, तो उनको हम कहते हैं सिग्नेटरीज. नॉन सिग्नेटरीज कौन सी कंट्रीज हैं? नॉन सिग्नेटरीज में आपके पास सबसे पहले इंडिया है, देन वी हैव पाकिस्तान, इजराइल ने रेटिफाई नहीं किया हुआ,
एंड नॉर्थ कोरिया एक टाइम पे मेंबर था, लेकिन 2003 में उन्होंने एनपीटी से खुद को पुल आउट कर लिया। कितनी ये सक्सेसफुल ट्रीटी रही है इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट डिसआर्मामेंट, तो कोई भी एज सच डिसआर्मामेंट नहीं हुई है, रादर कंट्रीज और ज्यादा वॉरहेड्स बनाने जा रहे हैं, आर्मामेंट की तरफ जा रहे हैं कंट्रीज। ट्रीटीज जो बनी हुई हैं उनसे पुल आउट कर रहे हैं। तो डिसआर्मामेंट हमें ऑलमोस्ट ना के बराबर नजर आती है। इफ यू टॉक अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन, हालांकि नॉन प्रोलिफरेशन की बात हुई है, उसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसराइल के पास भी कहा जाता है कि इसराइल के पास भी न्यूक्स मौजूद हैं। ओके जी, आई होप यहां तक चीजें समझ आ गई हैं। अजान हो रही है तो फिर हम एक मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। इसे अगर इस वक्त कोई सवाल है तो आप तब तक टाइप कर लें। ओके जी, यहां से हम आगे मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट हम एनपीटी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेक्चर पे वापस आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें इफ यू वांट टू। चलें जी, लास्ट पॉइंट है विथड्रॉल। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया ने अगर एनपीटीटी से विदड्रॉ कर लिया, पुल आउट कर लिया, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या कंट्रीज जो सिग्नेटरीज हैं वो कभी भी पुल आउट कर सकती हैं? अगर करेंगी तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या मेथड होगा पुल आउट करने का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटी इफेक्टिव कब हुई थी? इफेक्टिव हुई थी आपकी ट्रीटी 1970 में, मार्च 5, 1970 में ये ट्रीटी इफेक्टिव हुई थी। साइन की गई थी 1 जुलाई 1968 में और इफेक्टिव होती है 5 मार्च 1970। लेट्स टॉक अबाउट विथड्रॉल क्लॉज। अगर इस क्लॉज में ये मेंशनड है कि इफ देयर आर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिससे हमें लगे कि इन्होंने इट हैज जेपर्डाइज्ड द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, अगर किसी कंट्री को लगता है कि उनके सुप्रीम इंटरेस्ट कंट्री के
थ्रेटेन हो रहे हैं, जियोपोडाइज हो रहे हैं, अगर उनके सर्वाइवल का मसला आ गया है, अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला आ गया है, तो देन दे कैन पुल आउट फ्रॉम दिस ट्रीटी. लेकिन पुल आउट करने से पहले एक मेथड होगा, जैसे एम्प्लॉय जो है वो लीव लेता है ना ऑफिस से, इसी तरह से हमने भी जो है पुल आउट करना है, तो 3 महीने का एक एडवांस नोटिस हमें देना है यूएन को बिफोर विथड्रॉइंग. दैट्स ऑल. 3 महीने का नोटिस देते हैं, आप पुल आउट करें. पुल आउट करने के बाद आप न्यूक्लियर में एनरिचमेंट करें, अपनी न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करें. इसमें यूएन ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगा सकता है, और यूएसए चाहे तो वो इंटरवीन कर सकता है अपने बेसिस पे, जैसे इराक में किया था. ओके जी, अब हम आते हैं टॉपिक पे, ईरान न्यूक्लियर डील पे. काफी स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ भी है, तो इसमें हम रिसेंट जो इवेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. पास्ट को हम कम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रेजेंट पे आ जाएंगे फौरन से ही. ये पॉइंट रिपीट कर दूं, ये विद्रॉल क्लॉज वाला, इस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हो जाते हैं जिनसे किसी कंट्री को लगे कि उनके सुप्रीम इंटरेस्ट जो हैं वो अंडरमाइन हो रहे हैं, वो जियोपोडाइज हो रहे हैं, तो फिर वो एनपीटी ट्रीटी से पुल आउट कर सकते हैं, फिर वो विदड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए 3 महीने का एडवांस नोटिस दिया जाएगा यूएन को बिफोर विदड्रॉइंग, जिसमें बताया जाएगा कि हम विदड्रॉ क्यों कर रहे हैं. नॉर्थ कोरिया को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था फ्रॉम अमेरिका, इसीलिए उन्होंने एनपीटी से पुल आउट किया. देन दे पजेस न्यूक्लियर वेपन्स, और आज नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ. लेट्स टॉक अबाउट एनपीटी ट्रीटी नाउ, नॉन प्रोलिफ. लेट्स टॉक अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील नाउ. एनपीटी के बारे में हमने डिस्कस कर ली है सारी चीजें. ईरान न्यूक्लियर डील या फिर जेसीपीओए बात एक ही है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नॉन प्रोलिफ्रेशन जो है ईरान न्यूक्लियर डील या फिर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये सारे जो है एक ही नाम है इस डील का. ये जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ईरान जो है एनपीटी का मेंबर है, सिग्नेटरी है अभी भी. हालांकि ईरान ने कुछ प्रोविजंस को वायलेट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान हैज रेटिफाइड दिस ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. आगे चलते हैं यहां से कि ये जो जेसीपीओए है, ये है क्या एक्चुअली, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं. जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सेम बात है. और एनपीटी की अगर हम बात करें तो ईरान जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एंड इट इज पार्टी टू एनपीटी, मतलब कि एनपीटी को रेटिफाई किया हुआ है. What is this Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA? USA को लगा कि like Iraq, अब ईरान भी जो है यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ जा रहा है. एक एलिमेंट है ये, एक तरह से रेडियो एक्टिव मटीरियल है यूरेनियम. एटॉमिक नंबर है 92, एटॉमिक मास है 235. इसकी जितनी ज्यादा एनरिचमेंट करते हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन पजेस करने की तरफ जा रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एनरिचमेंट हम 2-3% कर रहे हैं, तो फिर ये पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर इसकी एनरिचमेंट हम इंक्रीज कर दें और ये रफली 93% अगर हम इसको एनरिच कर रहे हैं, 95% कर रहे हैं, तो फिर इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फिर हम एनर्जी यूज करते हैं फॉर अक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स.
यूएसए को लगा कि ईरान भी एनरिचमेंट यूरेनियम की बहुत ज्यादा कर रहा है, सेंट्रीफ्यूज को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इसके लिए, तो फिर इस एनरिचमेंट को रोकने के लिए और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि और कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स पजेस ना कर ले, उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और फिर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसका नाम है जेसीपीओए। ये साइन होगा अग्रीमेंट तो कुछ रिलीफ यूएसए को मिलेगा, कुछ रिलीफ ईरान को मिलेगा। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ईरान को एनरिचमेंट से रोका जा सके। अगर सैंक्शंस लगते हैं तो ईरान के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाल लेते हैं। चाइना के साथ रिलेशंस अपने एस्टेब्लिश कर लिए, या फिर क्रिप्टो करेंसी यूज कर ली, किसी ना किसी तरीके से वो सरवाइव कर लेते हैं। कि ईरान की एक बड़ी हिस्ट्री रही है, एक बड़ी सिविलाइजेशन है, पर्शियन नेशनलिज्म इनका बहुत फेमस है, तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं लेकिन कभी भी वो सरेंडर नहीं करते। ये सरेंडर करने वाली कौम कभी भी नहीं है। तो एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान के अंदर क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी क्या होंगी? इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस सिंपली ये हैं कि अब ईरान जो है वो एनरिचमेंट अपनी इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब ये है कि ये 93% जो 95% एनरिचमेंट हो रही है इसको रोका जाएगा। उसके अलावा ईरान जो है एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको एक्सेस देगा कि वो उनकी कंट्री में आए और इन्वेस्टिगेट कर सके कि कहीं पे कोई एनरिचमेंट हो तो नहीं रही, कहीं पे किसी साइट पे ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिससे हमें लगे कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की या फिर पजेस करने की तैयारी में है, कि आप जो है अपने डोर्स ओपन कर लेंगे फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर एनपीटी ट्रीटी साइन की जाती है कि कंट्रीज नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जाएंगे, तो इस ट्रीटी की एग्जीक्यूशन, इस ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये ट्रीटी इफेक्टिव कैसे होगी, ये ट्रीटी फोर्स में कौन लाएगा? तो इसको इफेक्टिव करने के लिए एक और बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये लोग होंगे, ये कंट्री के अंदर जाएंगे, वहां पे सर्वे करेंगे, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वापस आकर रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि कौन सी कंट्री कंप्लायंस में है और कौन सी कंट्री कंप्लायंस के अंदर नहीं है। ईरान ने अग्री किया कि ठीक है, हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, हम अपने सेंट्रीफ्यूज का नंबर भी जो है वो भी कम कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज वो है जहां पे ये एनरिचमेंट वगैरह होती है। इसके अलावा ईरान को क्या फायदा होगा, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको लिफ्ट कराया जाएगा। ईरान के जो एसेट्स यूएसए के अंदर सीज किए गए हैं वो एसेट सीजर भी खत्म हो जाएगा, तो इससे कुछ इकोनॉमिक रिलीफ ईरान को भी मिलने वाला है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बार बार ये कंफर्म किया कि ईरान जो है इस ट्रीटी के साथ फुली कंप्लायंस में है और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे यह साबित हो सके कि इसकी किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया जा रहा है। कुछ टाइम के बाद जैसे प्रेसिडेंट पावर में आते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप पावर में आएंगे, तो उसके बाद वो इस ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट करते हैं। पुल आउट करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स भी बताते हैं। ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ड्यूरिंग ओबामा पीरियड, इसको एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की तरह कंसीडर किया जाता है। एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस के ये बायलेटरल ट्रीटी नहीं है, ट्रीटीज डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। बायलेटरल ट्रीटी हो सकती है मतलब कि सिर्फ दो कंट्रीज के दरमियान, ट्राइलेटरल हो सकती है सिर्फ तीन कंट्रीज के दरमियान, मल्टीलेटरल हो सकती है मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो ट्रीटी है, ये जो डील है बिटवीन ईरान एंड यूएसए, ये बायलेटरल अग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ ईरान और यूएसए के बीच में नहीं है, बल्कि इट इज अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट जिसमें P5+1 कंट्रीज मौजूद हैं। P5+1 का मतलब क्या है, मतलब कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स है वो भी इसके अंदर मौजूद है,
यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज हैं। एट द सेम टाइम जर्मनी भी इसके अंदर है। तो ये मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है, सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का ये अग्रीमेंट नहीं है। तो जैसे ही जो बाइडेन पावर में आते हैं तो ये अपने रिलेशंस इसराइल के साथ और ज्यादा कंसोलिडेट करेंगे, इनको पॉपुलिस्ट लीडर कहा जा रहा है। डिफरेंट ऑथर्स ने इनको कहा है कि ये पॉपुलिस्ट हैं, इनके अंदर पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज बहुत ज्यादा है, रेटरिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा ट्विटर पे झूठ बोलने वाले प्रेसिडेंट भी यही है। तो इन्होंने पहले पहले क्या काम किया, पहले आते ही इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ईरान न्यूक्लियर जो डील है उससे हम पुल आउट करते हैं। इनकी पॉलिसी यही रही है कि जो भी काम किए हैं ओबामा ने उनको रिवर्स करना है या उनको खत्म करना है। पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया, यूएन से पुल आउट करने की बात कर दी, ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी, फिर ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया, एक लोप साइडेड पीस एग्रीमेंट बना लिया फॉर इसराइल एंड पैलेस्टाइन, वो भी इशू रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो इनकी पॉलिसीज ऐसी रही हैं, इंटरमिटेंट पॉलिसीज रही हैं, जो कि इन फैक्टर्स को काउंट नहीं करती हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे। बहरहाल इन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया, पुल आउट करने के रीजन भी बताने होते हैं कि आखिर क्यों पुल आउट किया। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बार बार ये कहा है कि ईरान कंप्लायंस में है, फिर भी क्यों पुल आउट किया। यूएसए के कंसर्न्स क्या हैं? यूएसए का जो सबसे बड़ा कंसर्न था, मतलब के जो प्रेसिडेंट ट्रंप का, देन प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ये जो अग्रीमेंट है ये 2025 में तो ये एक्सपायर हो जाने वाला है, मतलब कि 2025 के बाद ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, इसलिए हम इससे पुल आउट करते हैं। जब ओबामा ने ये अग्रीमेंट साइन किया है विद ईरान, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए हम ये अग्रीमेंट साइन करते हैं, साइन करके ताकि इस इनरिचमेंट को रोका जा सके, ताकि फिर हम डायलॉग को स्टार्ट कर सकें, ताकि हम नेगोशिएशंस करें और आगे जाके कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोई डील हम साइन करें। लेकिन जैसे ही जो बाइड प्रेसिडेंट आ जाते हैं दूसरे पावर में, डोनाल्ड जे ट्रम्प, तो फिर इससे पुल आउट करते हैं और यही बताते हैं कि 25 में ये एग्रीमेंट जो है फोकस नहीं करेगा ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटीज के ऊपर, तो इसलिए हम इससे पुल आउट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो कि इतना लॉजिकल और रीजनेबल नहीं है, इन्होंने ये भी कहा कि जो सपोर्ट करता है ईरान दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स को जो कि प्रेजेंट है सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, कुछ ईरान में मौजूद, कुछ इराक के अंदर मौजूद हैं, इनको भी सपोर्ट करता है, कुछ लेबनान में हैं, उनको सपोर्ट करता है, तो इसीलिए भी हम इस अग्रीमेंट से पुल आउट करते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि जिसमें यह चेक किया जाए कि ईरान के रोल को लिमिट करना है रीजन के अंदर। एट द सेम टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये इसको भी टारगेट नहीं करता, हालांकि इनरिचमेंट की तरफ नहीं जाना है, लेकिन ईरान जो है बार बार अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा था, तो ये भी एक कंसर्न बन जाता है। इन कंसर्न्स को शो करके यूएसए पुल आउट करता है। ये तो ऐसे कंसर्न्स हैं जो के सामने आ रहे हैं, जो के ट्रंप ने बताया हमें, लेकिन कुछ स्ट्रेटजिक रीजंस भी हैं। स्ट्रेटजिक रीजंस ये हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये डायरेक्ट थ्रेट है इसराइल को। ऑलमोस्ट सारे अरब कंट्रीज के साथ यूएसए ने और इसराइल ने अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं, और जो अरब थ्रेट है उसको ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया है। सीरिया से कोई थ्रेट नहीं है इस वक्त इसराइल को, सऊदी अरेबिया से कोई थ्रेट नहीं है, यूएई से कोई थ्रेट नहीं है, ओमान से कोई थ्रेट नहीं है, इजिप्ट से कोई थ्रेट नहीं है, मोरक्को से कोई थ्रेट नहीं है, तो अब स्टेट एक्टर से तो इसराइल को कोई थ्रेट नहीं है। अगर थ्रेट है तो वो है ईरान से। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा फॉर इसराइल। एट द सेम टाइम इसराइल इज द फ्रंट लाइन अलाय ऑफ द यूएसए इन द मिडिल ईस्ट। अगर इसराइल को कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद अगला नंबर आएगा यूएसए का।
इस वक्त जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी एनर्जी सारी लगी हुई है ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में इसराइल के ऊपर कि कैसे इसराइल को अंडरमाइन किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे इसको वीक किया जाए, चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो, ये इनकी एनर्जीज इस वक्त इसराइल पे लग रही हैं। लेकिन अगर इसराइल को फॉर एग्जांपल वाइप आउट किया जाता है तो फिर अगला नंबर आएगा यूएसए का, या फिर इसराइल को अगर वीक किया जाता है या फिर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो फिर से फोकस शिफ्ट हो जाएगा यूएसए के ऊपर। देयरफॉर इसराइल एक ऐसा एलाई है जिसको यूएसए कभी भी लूज नहीं करना चाहता। देयरफॉर वो चाहते हैं कि इसराइल को हम कैसे भी करके अपीज करें। एंड इसराइल वॉज अगेंस्ट दिस अग्रीमेंट। जब ये 2015 में अग्रीमेंट साइन किया जा रहा था तो इसराइल ने इसको अपोज किया, इसराइल इसके सपोर्ट में नहीं था। जैसे ही यूएसए पुल आउट करता है तो सबसे खुश होने वाली कंट्री इसराइल है, उसके बाद दूसरी कंट्री जो सबसे खुश होगी वो है सऊदी अरेबिया। इस अग्रीमेंट से पुल आउट करने के बाद रशिया को भी काफी फायदा होने वाला है क्योंकि ये कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। पुल आउट करने के बाद ईरान, ईरान के पास भी ऑयल है, गैस है। पुल आउट करने के बाद सैंक्शंस लगेंगे तो कोई भी कंट्री इनसे गैस परचेज नहीं करेगा, ऑयल परचेज नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी और ज्यादा नीचे आएगी। एज अ रिजल्ट सऊदी अरेबिया, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, रशिया, इनको और ज्यादा फायदा होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। इम्पैक्ट्स को आप डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की एक हेडिंग बना सकते हैं, आप इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस की हेडिंग बना सकते हैं, आप इसका ये भी हेडर बना सकते हैं कि इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, ये भी आप बना सकते हैं। इसका इम्पैक्ट ईरान के ऊपर क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। इट इज अप टू यू कि आप किस तरह से हेडर्स बनाते हैं। जितने ज्यादा हेडर्स बनाएंगे आप उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। अब इम्पैक्ट्स क्या हैं? इम्पैक्ट्स को डिवाइड करना बहुत आसान है, सिंपल है। आपने सिर्फ अपने माइंड को यूज करना है कि इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस अग्रीमेंट से यूएसए ने पुल आउट किया है तो क्या ये बायलेटरल अग्रीमेंट है? इट इज नॉट अ बायलेटरल अग्रीमेंट, इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो जैसे ही यूएसए पुल आउट करता है तो ये ट्रीटी क्रम्बल नहीं करती, ये खत्म नहीं हो जाती, ये ट्रीटी इमिडिएटली कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर यूके भी मौजूद है, जर्मनी भी मौजूद है, फ्रांस भी है, रशिया है, वो कमिटमेंट शो कर रहे हैं इस अग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि ये कंट्रीज भी फेवर में नहीं थे कि यूएसए पुल आउट करे, इस अग्रीमेंट से पुल आउट करे यूएसए, इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो पहला इम्पैक्ट ये है कि अब डेफिनेटली जब यूएसए पुल आउट करता है अपने बेसिस पे मल्टीलेटरलिटी से यूनिलेटरली पुल आउट करता है तो इससे यूरोप के साथ रिलेशंस थोड़े खराब हो गए यूएसए के। फिर दूसरी कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज ने जो कि इसके सिग्नेटरीज हैं उन्होंने इस अग्रीमेंट को लेकर कमिटमेंट शो की है, कैसे भी करके ईरान को अपीज करने की कोशिश की है कि ईरान के अंदर कंप्लीट इंस्टेबिलिटी नहीं आ जाए, ईरान कोलैप्स ना कर जाए, कोई ना कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हम बना सकें ताकि ईरान के साथ हम ट्रेड कर सकें। इसके अलावा और क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? ईरान और इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, चाबार पोर्ट भी ईरान में मौजूद है, तो इसकी वजह से भी ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। ट्रेड जो टाइज हैं, जो अग्रीमेंट है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वो स्लो हो सकता है, वो हॉल्ट हो सकता है, हॉल्ट हुआ है, उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ा है, टाइज बहुत स्लो हो गए, ट्रेड टाइज वीक हो गए, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड जो टाइज थे उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। फिर ईरान ने सैंक्शंस भी फेस किए डेफिनेटली अब पुल आउट करने के बाद। यूएसए ने पहले पहले क्या काम किया कि अब सैंक्शंस लगाने हैं ईरान के ऊपर। ईरान ने क्या कमिटमेंट शो किया? ठीक है, ऑल्दो यूएसए ने पुल आउट कर लिया है लेकिन हम डिप्लोमेटिकली दूसरी कंट्रीज के साथ इंगेज करेंगे, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर करना है कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करे और जो कमिटमेंट्स हैं
दूसरी कंट्रीज की, उनको भी इंटैक्ट रखना है, वो भी इन प्लेस रहने चाहिए। तो ये ओवरऑल कुछ इंपैक्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पे। उसके अलावा एक और इंपैक्ट पड़ा है, वो इंपैक्ट क्या है? वो इंपैक्ट ये है कि भाई जो यूएसए है ना, ये कभी भी यूनिलैटरली पुल आउट कर सकता है विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स इनटू द कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से यूएसए की ग्लोबल स्टैंडिंग पे काफी ज्यादा सवाल रेज होते हैं। इसकी वजह से दूसरी कंट्रीज के अंदर ये स्केप्टिसिज्म आ जाता है कि भाई अगर हम यूएसए के साथ कोई डील साइन करते हैं तो आगे जाकर वो कभी भी पुल आउट कर सकता है। देयरफॉर यूएसए इज नो मोर अ रिलायबल पार्टनर, यूएसए के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया। यूएसए की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, यूएसए की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल पैदा हो गया। यूएसए के ऊपर क्या हम रिलाय कर सकते हैं या नहीं, रिलायंस, इसके ऊपर एक सवाल क्रिएट होता है। दूसरी कंट्रीज यूएसए के रोल को लेकर ग्लोबल लेवल पे भी कंसर्न है। फिर यूएसए ने जब पुल आउट किया तो ये भी अज्यूम किया जा रहा था कि अब यूएसए मल्टीलैटरलिज्म से शिफ्ट करके यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है। इट्स अ मल्टीलैटरल अग्रीमेंट, लेकिन उन्होंने यूनिलैटरली पुल आउट कर लिया है। तो अब यूएसए लग रहा है कि जो ग्लोबल लेवल पे रोल है यूएसए का, उसको वो अबेंडन कर रहे हैं। देयरफॉर यूएसए जब इस ग्लोबल रोल से पुल आउट कर रहा है, उससे वो शिफ्ट कर रहा है खुद को, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक और कंट्री आनी चाहिए। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए दूसरी कंट्री आ रही है, दैट्स चाइना। जी मीटिंग एंड हो रही है, आप सब वापस आ जाएं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये जो ऊपर हमने लिखे थे ना कि ये अग्रीमेंट 2025 तक खत्म हो जाएगा, उसके अलावा ये है कि सैंक्शंस जो लगे हुए ईरान के ऊपर वो लिफ्ट हो जाएंगे, तो इन रीजंस की वजह से इजराइल ने डेफिनेटली इसको अपोज किया है।